नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बंगाल में डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसके बाद देश के सभी डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अब डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस टीम के गठित होने के बाद क्या हमारे डॉक्टर सुरक्षित होंगे, क्योंकि एक वीडियो देश की राजधानी दिल्ली से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना खुलेआम डॉक्टर को हॉस्पिटल में धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें दवाई और इंजेक्शन ना देने को लेकर मौलाना खुलेआम कह रहा है, तुझे फाड़ दूंगा, तुझे चीर दूंगा, तू हॉस्पिटल में बैठा है वरना कसम खुदा की फाड़ देता। वीडियो बना, जिसे बताना है बता, कर रिकॉर्डिंग, जहां भेजना है भेज। ये मामला दिल्ली के जग प्रकाश चंद्र हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में बैठा है तू, कसम खुदा की फाड़ देता तुझे अगर अलग होता। अगर रिकॉर्डिंग कर, कर रिकॉर्डिंग, खुला कर, कर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कर और भेज, जहां भेजना है जा। बताइए रिकॉर्डिंग करके करेगा, बाल सीधे करा लियो मेरे, जा, खुला कह रहा हूं तेरे से, चैलेंज कोई बात नहीं, चैलेंज दे। अबे तूने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया इनसे, इतनी क्यों नहीं दे रहे? मना ही तो कर रहा हूँ, बकवास कर रहा है, लेके वीडियो बना के मेरा मुंह पड़ेगा। इलाके का हॉस्पिटल है, इसीलिए तो है बच्चे में अभी तक। चलो तो आप चलो, बात करो, चलो। वही वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस मौलाना पर भड़क रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अभी सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और एक टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया, और ये मौलाना जग प्रवेश चंद्र अस्पताल दिल्ली में डॉक्टर को कह रहा है कि तुझे फाड़ दूंगा, तुझे चीर दूंगा। इस मौलाना के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, डॉक्टर्स की सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक और ने लिखा, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। मौलाना के वीडियो को देखकर एक बात तो साफ है कि डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कानून लाया जाए, क्योंकि धरती पर दूसरे भगवान हम डॉक्टर्स को ही बोलते हैं। ऐसे में मौलाना का वीडियो देख लोगों के मन में गुस्सा है कि ऐसे मौलानाओं को पुलिस को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से आज देश में डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं है। बंगाल में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और टास्क फोर्स तक का गठन किया है, और 14 दिनों में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कह दिया है, जिसमें देश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ साथ अस्पतालों में बुनियादी विकास, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तैनाती और अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना जैसे कई मामलों पर फोकस किया जाएगा। वह वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन इसका संज्ञान लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले इसरार अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, तभी उन्होंने डॉक्टर पर हमला कर दिया। जब आरोपी ने डॉक्टर को धमकाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए घटना के वीडियो में व्यक्ति को डॉक्टर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए देखा जा सकता है। इसरार को वार्ड के अंदर मौजूद एक डॉक्टर से ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि ये एक स्थानीय अस्पताल है, इसलिए वो अभी भी सुरक्षित है, और तभी आरोपी को एक आदमी वहां से बाहर ले जाता है। वहीं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रजनीश ने बताया कि जब अस्पताल कर्मचारियों ने व्यक्ति को नजरअंदाज किया तो वह हिंसक हो गया और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह गाली गलौज करने लगा और हम में से कुछ लोगों पर हमला करने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि उसने हमारे नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया। FIR में दावा किया गया कि आरोपी ने अस्पताल परिसर में चिल्लाया, अन्य रोगियों के उपचार में बाधा डाली और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उसने डॉक्टरों के ड्यूटी रूम में जबरदस्ती घुसकर अन्य लोगों को डॉक्टरों की पिटाई करने के लिए उकसाया, ऐसा भी दावा किया गया। फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर ऐसी ही तस्वीर सामने आती रही तो भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।